हेलो एवरीवन, टुडे अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो फ्रॉम आवर एग्री लर्नर टीम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बीटी कॉटन से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से IBBS ने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, बीटी कॉटन एक्ट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो पर्टिकुलर बीटी कॉटन है वो कौन से पेस्ट के अगेंस्ट पे काम करता है, मींस किस पर्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट वो वर्क करेगा। तो दोस्तों, ऑप्शंस आपके जो सामने हैं वो इस तरीके से हैं, एफिड्स, वाइट फ्लाई, बॉल वॉर्म, बर्ग्स एंड थ्रिप्स। तो दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज बॉल वॉर्म। दोस्तों, जो बीटी कॉटन है वो बॉल वॉर्म के अगेंस्ट काम करता है। दोस्तों, दिस क्वेश्चन वॉज आज बाई IBPS इन द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019-20 मेन्स एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो एस्पिरेंट्स, इफ आई से अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम पर्टिकुलरली देखेंगे बीटी कॉटन के बारे में। बीटी मीन्स बैसिलस थुरिंगेंसिस। दोस्तों, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखेंगे जो हमने क्वेश्चन में देखा था, जो IBBS ने अपने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019-20 के मेंस के एग्जाम में पूछा था। बाकी के इसी तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हमने डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं और उनसे रिलेटेड जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेस्ट है, हमने उसको डिस्कस किया है अपने एंटोमोलॉजी के मॉड्यूल में। आप लोग हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं agriguru.in, हुज लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहला जो पॉइंट है आपके सामने वो है कॉटन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया, ऑफन रेफर्ड एज द वाइट गोल्ड। दोस्तों, इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स मोर देन 45% ऑफ द टोटल पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन अवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट दैट अफेक्ट कॉटन प्रोडक्शन आर जैसेट्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड थ्रिप्स अमॉन्ग द सैप सकिंग पेस्ट। अगर मैं सैप सकिंग की बात करूं तो उनमें जैसेट्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड थ्रिप्स इंपॉर्टेंट है। एंड इफ आई से अबाउट द बॉल वर्म्स, ईदर इट इज अमेरिकन पिंक एंड स्पॉटेड बॉल वर्म, एंड इफ आई से अबाउट द स्पोरोप्टेरा विच इज अमॉन्ग द लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सैप सकिंग पेस्ट की, उनमें जैसेट्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड थ्रिप्स, ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इफ आई से अबाउट द लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स, उनमें आपका बॉलवर्म्स आएंगे। बॉलवर्म्स में चाहे वो अमेरिकन बॉलवर्म हो, पिंक बॉलवर्म हो, या स्पॉटेड बॉलवर्म हो, या फिर चाहे स्पोरोप्टेरा हो, ये सब के सब आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑफ दीज कॉटन पेस्ट द अमेरिकन बॉलवर्म अलोन कॉजेज यील्ड रिडक्शन अप टू 40-70% अंडर सीवियर इंसिडेंस। दोस्तों, आप देख सकते हैं अमेरिकन बॉलवर्म कितना डेविस्टेटिंग इंपैक्ट दिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑल बीटी कॉटन प्लांट्स कंटेन वन और मोर फॉरेन जीन्स डिराइव्ड फ्रॉम द सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगेंसिस, दस दे आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो दोस्तों, जो पर्टिकुलर बीटी कॉटन प्लांट है, इसमें फॉरेन जीन होती है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंगेंसिस। तो कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, अगर वो फॉरेन जीन को अपने अंदर ले रहा है, अब उसके अंदर पर्टिकुलर फॉरेन जीन पाई गई है, तो वो पर्टिकुलर प्लांट, चाहे वो एनिमल हो, वो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। तो यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, तो वो पर्टिकुलर प्लांट जो बीटी कॉटन प्लांट है, जिसमें हमने वो पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस किया है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की मदद से, जिसका नाम बैसिलस थुरिंगेंसिस है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर बीटी कॉटन प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, द इंसर्शन ऑफ द जीन्स फ्रॉम बैसिलस थुरिंगेंसिस कॉजेस कॉटन प्लांट सेल्स to produce crystal insecticidal proteins, often referred as cry proteins. तो दोस्तों, ultimately यहाँ पर ये बता रहा है कि ये Bacillus thuringiensis आगे करता क्या है, इसका काम क्या है, ये एक crystal protein को release करता है, उस particular protein को इन्होंने, इस particular protein को इन्होंने नाम दिया है cry proteins. Next point है friends, these insecticidal proteins are effective in killing some of the most injurious caterpillar pests of the cotton, such as larva of tobacco budworm, एंड बॉल वॉर्म्स। तो बता रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रिलीज हुआ है, क्राई प्रोटीन्स रिलीज हुए हैं, वो किसके अगेंस्ट में काम करता है, स्पेशली हम यहाँ पर बॉल वॉर्म्स की बात कर रहे थे ऊपर क्वेश्चन में, और IBPS ने यही पूछा था कि पर्टिकुलर जो
बीटी कॉटन है वो एक्ट करता है इनमें से किस पेस्ट के अगेंस्ट में। तो इसका जो आंसर था वो बॉलवर्म था, जो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से बॉलवर्म इसका एब्सोल्यूट राइट आंसर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है द बीटी। बीटी मीन्स बैसिलस थरिंगेंसिस ट्रांसजेनिक कॉटन बॉल गॉड ऑफ मोनसेंटो। इसको बॉल गॉड ऑफ मोनसेंटो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, मोनसेंटो कंपनी है, यूएसए में इन्होंने पहली बार डेवलप किया था। हैज दस बीन डेवलप्ड सक्सेसफुली इन यूएसए विच हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉल वर्म्स एट अर्ली स्टेजेस ऑफ द क्रॉप ग्रोथ अप टू 90 डेज इफेक्टिवली। दोस्तों 90 डेज के अंदर में ये इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर देता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है द फर्स्ट कॉमर्शियल बीटी कॉटन वेराइटी वॉज रिलीज इन यूएसए बाई मोनसेंटो बॉल गॉड विच कंटेन्स क्राई फर्स्ट जीन ऑफ बैसिलस थरिंगेंसिस। दोस्तों जिस पर्टिकुलर क्राई प्रोटीन की हम बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर प्रोटीन को इन्होंने नाम दिया था क्राई फर्स्ट एसी जीन दोस्तों, जो कि बैसिलस थरिंगेंसिस के द्वारा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम के द्वारा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उस पर्टिकुलर प्लांट में, क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉटन का प्लांट एक फॉरन जीन को इन्वेट किया हुआ है, एक फॉरन जीन को कैरी किया हुआ है। इसीलिए दैट्स वाई द रीजन Why we used to say that these kind of particular plants as transgenic plants. तो दोस्तों आज हमने स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा। दोस्तों इस पर्टिकुलर बीटी कॉटन का बैसिलस थरिंगेंसिस जो कॉटन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इस पर्टिकुलर जो बीटी कॉटन है इसका मैकेनिज्म, इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म के लिए कि ये कैसे काम करता है आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं agriguru.in। वहां पर एंटोमोलॉजी के पर्टिकुलर सेक्शन में आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इस पर्टिकुलर क्रॉप के साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं जो कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए, आपको सबकी डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आप IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, आप लोग हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।